की कुंडली हो, लड़के की कुंडली, लड़की की कुंडली है तो सातवें घर का स्वामी और मंगल देखना है, लड़के की कुंडली है तो सातवें घर का स्वामी और शुक्र देखना है। यह सातवें घर का स्वामी और शुक्र अच्छा है तो शादी कहीं भी होगी, शादी कहीं भी होगी वो सुख मिलेगा ही, गुण मिले या ना मिले, गुण मिले या ना मिले। हमारी कुंडली में शादी का सुख है, हम 14 गुण में शादी कर लिए। जब हमारी शादी हुई तो लड़की वाले बोले कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। हम कहे मैं डेट ऑफ बर्थ आपको दे दूंगा, जो पंडित मिलाएगा वो कैंसिल कर देगा शादी, क्योंकि बोलेगा वो 14 गुण बन रहा है। तो आज 7 साल शादी का हमारे हो गया, भगवान कृपा से 2 बच्चे भी हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आपको 2 चीज देखना है कि शादी का सुख है कि नहीं है। कुंडली में यह देखिए कि शादी का सुख देखिए, शादी का सुख है तो आपका, यदि किसी को आप जानते हैं, घर परिवार जानते हैं, तो वो परिवार को आप मत टूटने दीजिए। हम उनको जानते हैं, हम शादी करेंगे, लड़का हो या लड़की हो। इतना सब कुछ घर परिवार जानने के बाद भी शादी नहीं करते, बोलते मिलान नहीं है। तो आपको मंगल को देखना है।